हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब्स। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के लिए लव रीडिंग जो होने वाली है अक्टूबर मंथ में, 21 ऑफ अक्टूबर टू 31 ऑफ अक्टूबर। अगर आपकी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। और एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, तो अपनी सिचुएशन में इसे ज़बरदस्ती फिट ना करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड, द जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ सॉर्ड, सॉरी वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एट ऑफ सॉर्ड। ओके गाइस, ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है आपकी लाइफ में। जो अभी सिचुएशन चल रहा है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिख रहा है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप अकेले ही हो, ओके। जो भी पर्सन आपके साथ हैं या फिर थे, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को ज़्यादा मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादा वो आपके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करते हैं। वो इस सिचुएशन में इस तरह से रहते हैं कि लाइक आते हैं और जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। और जिसकी वजह से आपके ऊपर पूरा बर्डन हो, आप एक बर्डन फील करते हो, आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है उनकी इस हरकतों से। और आपको इन सब चीज़ों में आप वो पर्सन से धीरे धीरे जो आपका जो प्यार था, आपका जो ट्रस्ट था, वो इस वक्त आप मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कम होते हुए जा रहा है। जो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन फ्यू पास्ट में जो भी आपके साथ आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन था, रिलेशन था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। आपकी फीलिंग्स उनके लिए बहुत ज़्यादा थी, मुझे यहाँ पर उनकी फीलिंग्स तो ज़्यादा नहीं दिख रही है, बट आपकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा थी उनके लिए। बट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपना 100% दिया, आप हर तरह से उनके लिए रेडी थे। बिकॉज यहाँ पर कि आप उनको मनाना चाहते थे एक तरह से कि वो आपका प्रपोज़ल या फिर आपके प्यार को एक्सेप्ट करें। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है एक तरह से, और एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक तरह से डरपोक किस्म के हैं। वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि सोसाइटी से, किसी लाइक वो अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। वो उनकी 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 उनका थॉट इस तरह से है कि ये जो आपका और उनका रिलेशनशिप है, ये अगर पब्लिक में पता चल गया तो उनकी रेपुटेशन का क्या होगा, उनकी जो भी सोशल जगह पे आप रिस्पेक्ट है वो कैसी होगी, इस तरह से उनकी फीलिंग्स है। सो इस वजह से उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो फीलिंग्स है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे तो मुझे एक तरह से दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप ही हो, ओके। आप ही इस रिलेशनशिप को अभी तक लेकर आए हो। और बट मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो पास्ट में आपकी जो फीलिंग्स थी उनके लिए वो बहुत ज़्यादा थी, बट उनका जो ये बिहेवियर है, आपकी हर एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना, आपकी जो भी थॉट है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना, कभी भी वो आते हैं और एक तरह से और चले जाते हैं, एक ऑन ऑफ की सिचुएशन है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो टाइम पास की तरह आपको यूज़ कर रहे हैं। वो जब भी वो कब उनका मन करता है तो वो आपकी तरफ आते हैं, और जब भी वो बिना बताए चले जाते हैं आपसे। तो फिर मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उनके इस बिहेवियर से कंफ्यूज्ड हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो, जिससे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी उनके लिए फीलिंग रखते हो, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उनकी तरफ से इस वक्त आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और किसी भी तरह का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई भी कांटेक्ट नहीं है कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में।
सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्टार्टिंग के 5 डेज में आपकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा स्टक होगी, बहुत ज़्यादा लो होगी, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इन पर्सन के साथ कैसे आपको सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए और इन पर्सन के साथ आपको आगे रहना भी चाहिए या नहीं। और बट यहाँ पर आप मूव ऑन करना भी चाह रहे हो, बट ये जो सिचुएशन, जो आपकी फीलिंग्स है, बिकॉज आपकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, आपने उन पर्सन को बहुत ज़्यादा मन से अपनाया था, बहुत ज़्यादा आप फील करते हो उन पर्सन के लिए, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके मन में आपके लिए इस वक्त तो कोई फीलिंग नहीं दिख रही है, और वो खुद में ही है। हो सकता है कि वो कहीं बिजी होंगे, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उन्होंने आपको किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत भी नहीं समझी, किसी तरह का आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी कि वो कहाँ बिजी हैं और आपसे वो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 5 डेज़ में मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो दिख रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिख रही है, और आपके अंदर बहुत गुस्सा भी है इस वजह से। यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा उनकी उनकी वजह से इतने परेशान हो, बट उन पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो पर्सन को जब भी मन होता है वो आते हैं आपकी तरफ, और जब भी उन्हें लगता है कि उन्हें जाना चाहिए वो बिना बताए चले जाते हैं। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप, हो सकता है का सिचुएशन ऐसा है कि इस वक्त आपकी तरफ आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आपकी तरफ किसी भी तरह का प्रपोजल आता है, कोई भी एक न्यू पर्सन आता है, एक न्यू ऑफर आता है, तो आप उसे एक्सेप्ट ज़रूर करोगे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है वो आपने आपने एक ऐसा ड्रीम, आपके जो ड्रीम्स थे, आपने एक ऐसा ड्रीम देखा था, एक ऐसा रिलेशनशिप देखा था, सोचा था कि आपका जो रिलेशनशिप होगा वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होगा, बट यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अलग है। जो भी आपने प्लान किया था, जो भी आपने अपने लिए सोचा था, उनसे उससे बहुत ज़्यादा अलग है। बट यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो कि आपको अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस तरह की सिचुएशन है। और जो आपके पर्सन है वो तो इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप दोनों एक तरह से आप नो कांटेक्ट में हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने किसी तरह का एक आपको बताया भी नहीं है कि वो क्यों क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या सिचुएशन थी। हम और कार्ड्स देख लेते हैं कि आगे की सिचुएशन क्या हो सकती है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्हें ये फील हो रहा है कि आप उन्हें भाव नहीं दे रहे, आप उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे हो। जो भी आप पहले उनसे बात करते थे उन्हें अच्छा लगता था, इस वजह से वो आपको रिप्लाई करते थे, और जो भी फीलिंग्स थी उनकी वो उसी वजह से थी। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि आपने भी उनसे बात करना किसी वजह से कम कर दिया, इस वजह से उन्होंने भी आपसे बिल्कुल बात करना छोड़ दिया, क्योंकि उनके अंदर आपके लिए कुछ खास फीलिंग्स नहीं थी। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने अभी उनसे कनेक्शन दूर कर दिया, आप उनसे दूर हो गए हो, इस वजह से आपके पर्सन, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, और आपको एक ऐसा, आपने जैसा सोचा था, जैसा आपने आपने ड्रीम ड्रीम किया था, एक वैसा आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप जिस तरह से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो वैसा एक रिलेशनशिप आपके लिए लेकर आ रहे हैं, रिलेशनशिप ऑफर लेकर आ रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे आपकी जो सिचुएशन दिख रही है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। सो मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ की एंड में आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, किसी तरह का ऑफर लेके, किसी तरह का प्रपोजल लेकर, और ये प्रपोजल हो सकता है कि एक स्ट्रांग हो, एक स्ट्रांग कमिटमेंट भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ शॉर्ट से कि आप इस वक्त उन पर्सन के ऊपर
बिल्कुल भी ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ आपका जो सिचुएशन है, बिकॉज़ आपने पास्ट में इतना कुछ देखा है और अभी भी आप उनके सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी ट्रस्ट करने के मूड में नहीं हो। अक्टूबर मंथ की एंड में गाइस आपके लिए किसी तरह का प्रपोजल आपके पर्सन ही लाएंगे। मुझे यहाँ पर कोई और नहीं दिख रहा है, आपके पर्सन के ही मूवमेंट है आपकी तरफ, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक स्ट्रांग प्रपोजल ला सकते हैं, आपको एक जस्टिस देने दे सकते हैं वो, जो भी आप डिज़र्व करते थे वो, ऐसा एक ऑफर, ऐसा एक प्रपोजल आपकी तरफ ला सकते हैं, बट आप इस वक्त आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। उनकी फीलिंग्स के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। गाइज, अगर आपसे ही मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गाइज बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। बाय।